प्रिय दर्शकों, जब आप दूसरों की मदद करोगे तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करते हैं। दर्शकों, यह वीडियो सुनने के बाद आप खुद पर और भगवान पर विश्वास करोगे, तो यह छोटा सा वीडियो ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, आज की यह कहानी में दो बहनें और एक भाई की है, जो छोटे से गांव में रहते थे और अपना खेती का काम करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। दोनों बहनों का नाम सीता और गीता था। तीनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। सीता बहुत ही मेहनती लड़की थी, वह घर का सारा काम करती थी और गीता में बचपना बहुत था। वह इधर उधर खेलती रहती और अपने बहन के साथ हंसी मजाक करती रहती थी। गीता का मन काम में काम लगता था। सीता बचपन से ही बहुत मेहनती थी, वह कभी किसी काम से नहीं डरती थी। दर्शकों, सीता और गीता ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसके बड़े भाई ने जल्दी दोनों का शादी करने का फैसला किया और कुछ दिनों बाद सीता और गीता की शादी हो गई। दोनों बहनों का ससुराल एक ही गांव में तय हुआ और दोनों का घर एक दूसरे के सामने था। सीता और गीता की शादी के 2 साल पूरा हो गया। सीता और गीता की अब एक बच्चा भी था। सीता और गीता भी अपने परिवार के साथ खुश थे और उसके बड़े भाई ने भी शादी कर ली थी। एक दिन सीता के मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना अपने बड़े भाई से मिलकर आया जाए। यह बात उसने अपनी छोटी बहन गीता को बताया और गीता से कहा, क्या तुम 1-2 दिन के लिए मेरे घर को संभाल सकती हो क्या? मेरे को भैया के घर जाने का मन कर रहा है। तब गीता ने भी कहा, ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं, तुम चली जाओ। दर्शकों, अगले दिन सुबह सीता अपने भैया के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। जब सीता रास्ते में चलती रहती है तब उसे एक बेर का पेड़ दिखाई देता है और सीता जब वहां से गुजरती है तो उसके पैर में बेर के पेड़ के कांटे चुभ जाते हैं। सीता उन कांटों को पैर से निकालकर आगे बढ़ती है। तभी बेर का पेड़ सीता को कहता है, सीता कहाँ जा रही हो? तब सीता आश्चर्यचकित होकर बोलती कि कौन बोल रहा है? तब बेर का पेड़ का बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ, और सीता से कहता है, क्या तुम मेरे पेड़ के नीचे जो कांटे पड़े हैं उसे साफ कर सकती हो? तब सीता कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी कर देता हूँ। और सीता ने बेर के आसपास की जगह को अच्छी तरह से सफाई कर दी और बेर के पेड़ ने सीता से कहता, अपने भाई के गांव से वापस आते समय मेरे से मिलकर जाना। दर्शकों, और फिर सीता अपने भाई के गांव की ओर बढ़ने लगी और कुछ दूर दूरी आगे चलने के बाद सीता एक गाय के सामने से जा रही थी। तब गाय ने सीता से कहा, सीता कहाँ जा रही हो? तब सीता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौन बोल रहा है? तब गाय ने कहा, मैं बोल रही हूँ। और गाय ने कहा, सीता तुम मेरा एक काम कर सकती हो क्या? तब सीता ने कहा, कौन सा काम? तब गाय ने कहा, क्या तुम मेरे आसपास की जगह को साफ सुथरा कर सकती हो क्या? तो सीता ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी कर देता हूँ। ऐसा बोलकर सीता काम में जुट गई और खुशी खुशी वहां की आसपास की जगह को साफ सुथरा करके वहां से जाने लगी। तभी गाय ने कहा, जब अपने भैया के गांव से वापस आओगी तो मेरे से मिलकर जाना, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दूध दे दूंगी। यह सुनकर गीता आगे बढ़ गई। दर्शकों, और सीता अपने भाई के गांव की और आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद सीता को रास्ते में मिट्टी के टीले मिले और मिट्टी के टीला ने सीता से कहा कि कहाँ जा रही हो सीता? तब सीता आश्चर्यचकित होकर बोलती है, कौन बोल रहा है? तब मिट्टी का टीला कहता है कि मैं बोल रहा हूँ।
और सीता से कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो। तो सीता ने पूछा कि कौन सा काम। तब मिट्टी का टीला कहता है, क्या तुम मेरे आसपास की जगह को साफ कर सकती हो क्या। तब सीता कहती कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी कर देता हूँ। और सीता ने मिट्टी टीले लेकर आसपास की जगह को अच्छे से साफ सुथरा करके वहाँ से जाने लगी। तब मिट्टी का टीला सीता से कहता है, जब तुम अपने भैया के गांव से वापस आओगी तो मेरे से मिलकर जाना। सीता यह बात सुनकर आगे बढ़ गई। सीता अपने भैया के गांव के आसपास पहुंच गई थी और सीता को उसके बड़े भाई के खेत में काम करते हुए दिखाई दिया। सीता दौड़कर अपने भैया के पास चली गई और अपने बड़े भाई का पैर छूकर उनसे गले मिलने लगी। दर्शकों, दोनों भाई बहन एक दूसरे से बात करने लगे। सीता का भाई सीता से कहता है कि आज खेत का काम ज्यादा है, हो सकता मुझे आज रात भर खेत में रुकना पड़े। तुम बहुत दूर से चलकर आ रही हो, थक गई होगी। तुम घर चली जाओ और खाना खाकर आराम करना और अपनी भाभी से बातें करना। कल सुबह खेत का काम करके घर आऊंगा, फिर हम एक दूसरे से खूब सारी बातें करेंगे। यह बात सुनकर सीता खुश हो गई और अपने भैया की घर की ओर आगे बढ़ गई। जब सीता अपनी अपने भैया के घर पहुंची, घर पर उसकी भाभी घर का काम कर रही थी और सीता ने उसका हाल चाल पूछ और घर के अंदर गई तो उसके भाभी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और सीता के भाभी ने सीता को ही घर का काम करने के लिए कह दिया। और सीता ने कहा, मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करने की जरूरत है। तब सीता की भाभी ने सीता की बात नहीं मानी और उसे ही काम पकड़ा दिया। यह देखकर सीता का मन टूट गया और वह मन ही मन बहुत दुखी हुई और सीता की भाभी ने सीता से अच्छे से बात भी नहीं की। सुबह होते ही जब सीता ने अपने भाभी से कहा, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो सीता के भाभी ने भी अच्छा जवाब नहीं दिया। सीता को बहुत बुरा लगा और वह घर से बाहर निकलकर अपने घर की ओर जाने लगी। और सीता के भैया रास्ते में खेत से आ रहे थे। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो गए। सीता के भैया ने सीता से पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों वापस जा रही हो, अभी तो हम एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं किए हैं। तब सीता भावुक हो गई और उसके आंखों से आंसू आ गए और सीता ने बहाना बना दिया, मेरे घर में मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ा। लेकिन उसके भैया को सच्चाई का पता था कि उसके भाभी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, इसलिए वह जल्दी जा रही है। दोनों भाई बहन बहुत ही भावुक हो गए और दोनों के आंखों से आंसू आने लगे। दर्शकों, सीता के भैया ने सीता के लिए कुछ सब्जियों और अपने भांजे के लिए कुछ खाने की सामान लाया था, वह उसने सीता को दिया। सीता के भैया ने सीता से कहा, दोबारा फिर आना। तब सीता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अब भैया आप मेरे घर आना। ऐसा कहकर सीता अपने भैया के पैर छूकर अपने गांव की ओर चलने लगी। सीता का मन में बहुत दुख था, अपनी भाभी के द्वारा किए गए व्यवहार से बहुत दुखी थी, लेकिन वह यह बात अपने भैया को नहीं बताई। वह अपने भैया को और ज्यादा दुखी और परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप अपने गांव की और आगे बढ़ने लगी। जब सीता अपने घर की ओर बढ़ रही थी तब सीता को रास्ते में मिट्टी का टीला मिला और मिट्टी के टीले के पास कुछ पैसे रखे थे जो सीता के लिए थे। जब सीता वहां से गुजरी तो मिट्टी ने कहा, यह तुम्हारे लिए है। सीता वह पैसे लेकर आगे बढ़ गई और अपने घर की ओर चलने लगी। रास्ते में गाय मिली, उस गाय ने सीता को सीता के बच्चे के लिए दूध दिया। सीता वह दूध लेकर अपने घर की ओर चली गई। कुछ दूर चलने के बाद सीता बेर पेड़ के पास पहुंच गई और बेर ने सीता को खूब सारे मीठे मीठे बेर दिए।
दर्शकों, अब सीता के पास बहुत सारा सामान हो गया था और जैसे सीता अपने घर पहुंची तो गीता ने पूछा, भैया ने क्या क्या भेजा, और सीता उसे बताने लगी और सभी सामान दिखाने लगी। सीता के पास खूब सारा सामान देखकर गीता के मन में भी अपने भैया के घर जाऊंगी। और सीता गीता को पूरी बात बताने वाली थी, लेकिन गीता ने पूरी बात ना सुनकर अपने घर चली और गीता सुबह होते ही अपने भैया के गांव के ओर चल पड़ी। दर्शकों, गीता अपने भैया के गांव की ओर चलने लगी और रास्ते में गीता को बेर का पेड़ दिखाई दिया। बेर के पेड़ ने गीता से कहा, कहां जा रही हो गीता? तब गीता को आश्चर्य हुआ कि कौन बोल रहा है और वह इधर उधर देखने लगी। तब बेर के पेड़ ने कहा, कहां मैं बोल रहा हूं? और गीता ने कहा, मैं अपने भैया के गांव जा रही हूं। तब बेर के पेड़ ने गीता को बोला, गीता मेरा एक काम करोगी क्या? तब गीता ने कहा, मैं तुम्हारी नौकर हूं क्या? जो तुम्हारा काम करूंगी, ऐसा बोलकर वह आगे बढ़ गई और गीता अपने भैया के गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते में गीता को गाय खड़ी हुई दिखाई दी। गाय ने गीता को कहा, कहां जा रही हो गीता? तब गीता आश्चर्यचकित होते हुए बोली, कौन बोल रहा है? तब गाय ने कहा, मैं बोल रही हूँ। और गीता ने कहा, मैं अपने भैया के गांव जा रही हूँ। तब गाय ने गीता को कहा, गीता तुम मेरा एक काम कर सकती हो क्या? गीता ने कहा, कौन सा काम? गाय ने गीता को अपने आसपास की जगह साफ करने को कहा और गीता ने गाय को साफ साफ मना कर दिया और गीता ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, ऐसा बोलकर गीता अपने भैया के गांव की ओर चली गई। कुछ दूर चलने के बाद गीता को मिट्टी का टीला दिखाई दिया। मिट्टी के टीले ने गीता से पूछा, कहां जा रही हो गीता? गीता आश्चर्यचकित होते हुए पूछती है, कौन बोल रहा है? तब मिट्टी के टीले ने कहा, मैं बोल रहा हूँ। गीता ने कहा, मैं अपने भैया के गांव जा रही हूँ। तब मिट्टी के टीले ने कहा, गीता तुम मेरा एक काम कर सकती हो क्या? तब गीता ने पूछा, कौन सा काम? मिट्टी ने कहा, मेरे आसपास की जगह को साफ कर सकती हो क्या? यहाँ पर भी गीता ने मिट्टी को मना कर दिया और गीता ने मिट्टी के टीले को कहा, मैं गरीब हूँ क्या? मुझे मजदूर समझ रहे हो क्या? मुझे जल्दी अपने भाई के घर जाना है। यह बात बोलकर गीता आगे बढ़ गई। दर्शकों, कुछ दूर चलने के बाद गीता अपने भैया के गांव पहुंच गई। गीता के भैया खेत में काम कर रहे थे और गीता को देखकर बहुत खुश हो गए। गीता अपने भैया का पैर स्पर्श की और गीता के भैया ने गीता को बताया कि कल सीता भी आई थी, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। और कुछ देर बाद गीता की भैया ने गीता को कहा, तुम इतनी दूर से चलकर आ रही हो, थक गई होगी, घर जाकर आराम करो। मैं कल सुबह खेत का काम निपटा कर आऊंगा, फिर हम खूब सारी बातें करेंगे। गीता अपने भैया से मिलकर बहुत खुश थी और अपने भैया के घर की ओर चली गई। गीता जैसे ही अपने भैया के घर के पास पहुंची, तब गीता के भाभी ने गीता को कहा, तू भी आ गई। ऐसे कठोर शब्द सुनकर गीता को समझ नहीं आया और कुछ देर बाद गीता की भाभी ने गीता को कहा, मैं तो रोज खाना बनाती हूँ, घर का काम करती हूँ, आज यह सारा काम तुम करो। तब गीता ने कहा, मैं इतना दूर से चलकर आई हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करने की जरूरत है। लेकिन गीता के भाभी ने गीता की एक बात नहीं सुनी और गीता को घर का सारा काम करना पड़ा। गीता अपने भाभी से मन ही मन में नाराज हो गई थी। अब गीता सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह होते ही गीता ने अपने भाभी से कहा, भाभी मैं अपने घर जा रही हूँ। तो गीता के भाभी ने कहा, ठीक है जाओ, तुमको किसने रोका है, ऐसा कहने लगी। गीता को लग रहा था उसकी भाभी उसके लिए कुछ सामान दे देगी जैसे सीता को दिया है। दर्शकों, इसलिए गीता में एक बार फिर अपने भाभी को बोला, मैं अपने घर जा रही हूँ। तब गीता के भाभी ने गीता को कहा, जा रही है जा, तुमको किसने रोका है।
ऐसे शब्द सुनकर गीता का मन टूट गया और वह अपनी भाभी से नाराज होकर अपने गांव की ओर चली गई। गीता अपने गांव की ओर जा रही थी तभी रास्ते में उसे मिट्टी का टीला मिला। गीता ने मिट्टी के टीले की बातन ही मानी थी, इसलिए मिट्टी के टीले ने गीता के रास्ते में दो बड़े बड़े सांप रख दिए थे। यह देखकर गीता डर गई और अपने आप को बच बचाकर वहां से निकली और अपने गांव की ओर आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर आगे बढ़ाने के बाद गीता को गाय खड़ी हुई दिखाई दी, लेकिन गीता गाय की बात नहीं मानी थी, इसलिए गाय ने भी गीता को कुछ नहीं दिया। उसे दूर आगे बढ़ाने के बाद गीता को बेर का पेड़ दिखाई दिया और यहाँ पर भी गीता ने बेर के पेड़ की बात नहीं मानी थी, इसलिए बेर के पेड़ ने गीता के रास्तों में खूब सारे कांटे गिरा दिए थे। दर्शकों, जैसे ही गीता आगे बढ़ी वह कांटे उसके पैर में चुभने लगे। गीता परेशान होकर वहां से निकली और अपने घर की ओर आगे बढ़ी। कुछ दूर चलने के बाद गीता अपने गांव पहुंच गई। जैसे अपने घर के पास पहुंची, वह अपने पैर के दर्द से परेशान और बहुत थक गई थी, इसलिए थक हार कर गीता अपने घर के पास बैठ गई। दर्शकों, और सीता ने गीता को देख लिया और सीता दौड़कर गीता के पास आई और गीता से पूछा, भैया भाभी कैसे हैं? तब गीता ने कहा, भैया भाभी बहुत कंजूस है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। भैया भाभी बहुत भेदभाव करते हैं, वह तुम्हें बहुत सारी चीज दिए और मुझे कुछ नहीं दिया। गीता यह बात सीता को बोलने लगी। तब सीता ने गीता को कहा, भैया भाभी तो पहले से बहुत गरीब है, उनके पास तो मुझे देने के लिए कुछ नहीं था। तब सीता ने कहा, मुझे रास्ते में बेर का पेड़ दिखाई दिया, गाय मिली, मिट्टी का टीला मिला, उन सब ने मुझे छोटे छोटे काम दिए और मैंने खुशी खुशी उन सब के काम कर दिए। और जब मैं भैया के गांव से वापस अपने घर आ रही थी, ओ गाय ने मुझे दूध, मिट्टी ने मुझे पैसे और बेर के पेड़ ने मुझे मीठे बेर दिए। और गीता से कहा, क्या तुम्हें रास्ते में बेर का पेड़, गाय और मिट्टी का टीला नहीं मिला? तब गीता ने कहा, मुझे भी मिला बेर का पेड़, गाय और मिट्टी का टीला, उन सब ने मुझे छोटे छोटे काम बोले और मैं सबको मना कर दिया। और जब मैं अपने भैया के गांव से वापस आ रही थी, तब मुझे मिट्टी के टीले के पास दो बड़े बड़े सांप मिले, गाय ने मुझे कुछ नहीं दिया और बेर पेड़ के पास से गुजरी तो खूब सारे कांटे मेरे पैरों में चुभ गए, जिससे मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लगी। तब सीता को गीता की बात समझ आ गई और सीता ने गीता को कहा, इसलिए तेरी हालत ऐसी हो गई। सीता ने गीता को समझाया कि तुम अपने स्वभाव को बदलो, गीता तुम सब के काम करती तो सब खुश होकर तुझे को कुछ ना कुछ देते, आज तेरे से बहुत बड़ी गलती गई गई। यह बात सुनकर गीता को पछतावा हुआ और गीता ने पूछा, मुझसे कौन से बड़ी गलती हो गई बहन? तब सीता ने गीता को समझाया कि इस दुनिया में कभी किसी का घमंड नहीं चलता, तेरे पास धन दौलत है लेकिन जब तक तुम दूसरों का काम नहीं करोगे तब कौन तेरा काम करेगा, और आज से तुम प्रण कर ले कि दूसरे का सेवा करेगी तभी मेवा मिलेगा। यह बात सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ गए और गीता को सीता की बात समझ आ गई। तो दर्शकों, हमेशा याद, जीवन में हमेशा एक दूसरे की मदद करना, आपको भगवान आपको कभी कोई चीज की कमी नहीं करेगा। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।